क्या हुआ दुआ? टीचर क्या कितेस? कह को मरन ये टीचर ईमान को? तू तो गई कन भी एडे खाए गने के चारे कित टीचर कित गई? हाँ दुआ टीचर ईमान को मारियस? वरा तू क्यों दिखनी मारियस? कह को मारियस? कह को ईमान को मारियस टीचर? स्कूल जाने नहीं जाना? अभी पता नहीं क्या हुआ इसको, ऊपर करो मुंह, ऊपर करो, ऊपर करो। और ये जो है ना इसकी जगह जो है ना सूज रही है, पता नहीं क्यों, इस साइड से भी और इस साइड से भी, पता नहीं क्या हुआ। और स्कूल कह रही है कि नहीं जाना, मैंने कहा आज जाओ कल नहीं जाना, कल तो है ना संडे, पंगी करवाती हूँ शाबाश। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है माई यूट्यूब फैमिली? दुआ करें मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। चलो मैं छोड़ा हूँ आपको स्कूल, चलो स्कूल बेटा, चलो चलो, देखो रश हो रहा स्कूल का, चलो 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 शाबाश, चलो 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 जाओ जाओ अंदर जाओ। अभी मैं जा रही हूँ घास लेने खेतों के लिए, क्योंकि मेरे कज़न आज आए नहीं, पता नहीं उनकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ चौलिस्तानी बहनों के साथ। पर देखिए अभी तक कोई मवेशी नहीं, सुबह का टाइम है और बच्चे जो ना स्कूल आ रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माई यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे। हम पर देखें कैमल और रैबिट और रेड़ी जो है ना भाई लेके आगे चले गए हैं और हम लोग जो है ना पैदल अंकल के साथ जेरे मैर चौलिस्तानी बहने वहाँ से आगे जो है ना गाड़ी पर बैठेंगे रेड़ी पर। आज दोनों कई दिनों बाद मैं इस रास्ते से आई हूँ और देखिए यहाँ पर सब्जियाँ भी बीची हुई हैं, घास भी उग रहा है। सुबह शबनम देखें कैसे चमक रही है ना, और ये सब्जा देखकर देखें मूड एकदम फ्रेश हो जाता है ना, इस तरह को बाग में देख के सर सब सारी चीज़ें देखते सुबह सुबह जो ना आँखें जो ना एकदम से जो ना सुकून मिलता है आँखों को। और ये है अमरूद का बाग और ये रहे इनके घर। आजो आजो नहर जाना बिल्कुल ही सूख चुकी है इस साइड से भी और इससे भी, तो गाड़ियां रेड़ियां बाइक सब कुछ इससे ही गुजर रहे हैं। ये देखें इनकी रेड़ी जो एकदम तैयार है, हमारी होगी तैयार। ये बैठ गई, ये है कपास की फसल और यहाँ पर आगे इनकी बीजियाँ सब्जियाँ। कल जो ना कपास की चुनाई भी हो रही थी, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है और एक दो दिन तक ये उजाड़ कर गंदम बीजे या कुछ और, और ये गंदम बीजी हुई है इस तरह की हमारे यहाँ नाली पे बोल रहे कि गंदम बीजी जा रही है। और ये रही सब्जियाँ मूलियाँ, मूलियाँ ना, ये रही मूलियाँ, शलजम, पालक, थूम, लहसुन, धनिया और मेथरा वगैरह सब कुछ माशाल्लाह इनका उगा हुआ है ना। अंकल जाना जमीन बना रहे हैं अभी और कपास चुनने वाले ना चुन रहे वहाँ पे, औरतें चुन रही। चलो देखिए सर सब्ज घास, आजकल जो ना नहर सूख गई है तो ट्यूबवेल जो ना काफी ज्यादा धुंध देखें हल्की हल्की अभी भी है ना। पर देखें खजूरें किस तरह अपना दी उन्होंने, इनके ऊपर से जो पत्ते होते हैं वो उतार दिए और ये बिल्कुल से सीधी साफ पर गई हैं। हमारी भी खजूरें कोई ऐसे बना दे। और ये जो ट्यूबवेल चल रहा है हमारे खेतों को भी यही पानी लगाता है और नहर से भी पानी यहाँ से जाता है। गाड़ी जो ना बहुत ही स्लो स्लो जा रही है और फिर सड़क जो ना यहाँ तक आ गई है, रोड़ा डला हुआ है, काम हो रहा है अभी भी सड़क पर, लुक डाल रहे हैं ना भैया। आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पर,
ये देखिए हमारी रोड जो है ना माशाल्लाह हो गई है मुकम्मल और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उतर गई हूँ रेडी से, अब वहाँ से यहाँ से ये कमांद के पत्ते लेंगी, इनको मैंने कहा पत्ते निकाल लेना और मैं जो है अपना घास काट लूँ। आज मेरे जो कज़न है वो नहीं आए, हो सकता है पीछे आए बाइक लेकर। तो अभी ये रही, आज मैं आई हूँ मस्जिद में सलाम करने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है माई यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो भी औलाद है अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, जो कर्जदार है अल्लाह पाक उन्हें कर्ज से निजात दे, और जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक करे उनके अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, और जिस घर में लड़ाई है या कोई भी परेशानी अल्लाह पाक वो भी दूर करें, मियां बीवी में जो भी अख्तलाफात हैं अल्लाह पाक वो भी दूर करें, सब अपने घरों में हंसी खुशी रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ये रहा, अब मैं जा रही हूँ अपने खेतों में घास लेने। इस जगह है ना इसको लगा रही है आग, क्योंकि इससे जो ना कचरा हो रहा है और जैसे कोई सांप वगैरह या कुछ आके छुप ना जाए। मस्जिद के सामने है बिल्कुल, ये इस तरह से आग लग रही है। आग लगा के मैं जा रही हूँ अपने खेत काटने, क्योंकि ये बहुत गंदे लग रहे थे यहाँ पर मस्जिद के सामने ना बिल्कुल, क्योंकि नलके को इन्होंने लपेट लिया ना घास ने, और जो आता है पानी पी के चला जाता है। तो मैंने कहा चलो साफ होगा, अगर कुछ सांप या बिच्छू वगैरह कुछ होते हैं ना इस तरह के छुप के बैठते हैं। देखते हैं घास को कि माशाल्लाह निकल आया कि नहीं, और सब्जियां भी आज चेक करनी है। और माशाल्लाह यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी जो है ना गंदम निकल रही है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल, पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ी थोड़ी सब सी ना ऊपर निकल रही है। माशाल्लाह हमारी सब्जियां भी निकल रही है ना, ये पता नहीं साइडों पे क्या था वो निकल रहा है, पता नहीं मूंगरे थे या धनिया था, ये भी निकल रहा है, और लहसुन भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और घास भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो ना निकल रहा है। साइड वाली गंदम भी देखनी है, घास जो ना मैंने काट लिया है इकट्ठा करके आ गई इस साइड पर। मैंने ये खोरी भी लेके जानी है रोटियां बनाने के लिए, वो वाली खत्म हो गई है पहले वाली। माशाल्लाह काट के ना इस तरह की जो ना ढेरियां बना दी है, और यहाँ पर हर दाल भी काट के ले आई, और अभी जो ना रेड़ी जो ना बनाएंगे वो सिस्टर उसके ऊपर ला देंगे। पर आज जो ना एक गट्ठा जो ना कमांद का भी लिया है, वजन भी आ गया मैं लेने के लिए, क्योंकि ये देर से आए थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए, मैं चोलिस्तानी बहनों के साथ आ गई थी। आज जो है मैंने इनकी रेड़ी पे लाद दी, और मैं जा रही अपने कज़न के साथ इनके घर पे, और ये अपना उतार लेंगे घास, फिर हमारा जो है वो हम अपने घर लेके चलेंगे। चलेंगे हमारी इस वाली बाइक पर, क्योंकि आज मेरा कज़न जो है ना दूसरी बाइक नहीं ले आया, बच्चे गए थे स्कूल तो इसको यही वाली मिली। आगे जो ना बना रहे हैं रोड, इस साइड से नहीं बनी। और भैया यहाँ पर देखें थापड़ी आज बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं ये थापड़ियाँ। और ये वाली जो सिस्टर है ना, इसका हाथ भी एक है और काम जो है ना दो हाथ दस हाथ के बराबर का करती हैं। और ये देखें एक हाथ से मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी, और मैं इनके साथ हाल वाल बंडा रही हूँ, और मेरे कज़न भी साथ हैं, और वो सामने से दूर से नज़र आ रही मुझे कि आ रही हैं। रेड़ी जो ना मैं खुद ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर खोरी भी है, हर दाल भी है और घास भी है, तो ये वज़न है, उन्होंने अपना घास उतार लिया है। और मेरे कज़न गए हैं बाइक घर छोड़ने, जैसे आएँगे वो रेड़ी संभालेंगे और मैं पैदल चली जाऊँगी घर, चाह कहना मैं घर में। और ये आराम आराम से चल रही है, क्योंकि काफ़ी सफ़र है, तो पता नहीं कब तक मेरे कज़न आएंगे, काफ़ी जो है ना सफ़र कर भी लिया अभी तक भी नहीं आए, गए हैं शुक्र है वो, ये तो बाइक भी साथ में लेके आ गए। और रेडी आ रही है, पता नहीं अब क्रॉस कैसे करेंगे। कज़न से मैंने कहा जाए मोटरसाइकिल छोड़ के फिर वापस आए, तो वो गए मोटरसाइकिल छोड़ने घर। आ चढ़ा रास्ता 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 फंस गई, और भी रेड़ी जो हमारी फंस गई थी उससे, क्योंकि उनका भी घास था, तो
अब निकल गई है। माशाल्लाह ये गंदम देखें किस तरह जो है ना ज़मीन से निकल आई है, खूबसूरत लग रही है ना। छांव पे रुक गए हैं, चलो ये भी थोड़ी सी थकन उतार ले और मैं भी आगे। मेरा कज़न वो रेडी लेगा और इसने भी आराम कर लिया कुछ देर। और ये रहा घास और ये ले जाएंगे और ये रेडी आ जाएगा और मैं यहाँ से जाऊँगी और गाय का पता करूँगी कि गाय की तबीयत कैसी है अब। और मैंने कहा भी था असगर और अकबर के अब्बू से, मैंने कहा आप ले जाएं गांव, क्योंकि ये इसमें तो कुत्ते बैठे थे और भी कुत्ते हैं काफ़ी ना। देखिए बैल बछड़े गाबे अपना चारा खा रहे हैं। क्या करें निपई, ये देखिए छोटे छोटे से इस तरह के कितने प्यारे लगते हैं ना। और हमारी गाय जो नासगर के अबू लेके गए हैं शायद रात को, और भी यहाँ पर थकी हुई जैसे ही आई हूँ। और ये देखिए इतना भर के कप जो ना सिस्टर ने मुझे दिया कि अब थकी हुई हो तो थकन उतारो। और यहाँ पे बैठ गई हूँ साथ में, मेरे साथ भी बैठी हैं, ये भी अपनी चाय पी रहे हैं, मैं भी इंजॉय करें यहाँ नीचे बैठ के। आज नीचे बैठ के इंजॉय करें सब। ना सिस्टर से कहा है कि इनके यहाँ जो ना साग है थोड़ा थोड़ा, मुझे कल किसी ने दिया है गिफ्ट साग, अभी ये तोड़ के देंगे अपने खेतों से कुछ। सैमा साग पाट रहे से मेरे को तू खोसे। देखिए इनकी लहसुन थूम जो ना निकल आई है। और मैं कभी जल्दी जल्दी साग बनाती हूँ या कुछ, जैसे बाज़ार नहीं कोई बच्चा जाता तो इनके यहाँ से तोड़ के चले जाते हैं धनिया भी और लहसुन भी। और ये देखें साग का ना कोई कोई जो है ना इस तरह है पौधा, उसमें से तोड़ के मैं ले जाऊँगी, उसके साथ मिला के बनाएंगे। इसमें ये बाथू भी मुझे मिल गया है। हाँ मैं क्या मेरे को रजा यहाँ सीड, ये मेरी परछाई पर देखे मैंने इनसे ली हैं साग के लिए लकड़ियाँ। और ये लकड़ियाँ लेके जा रही हूँ साग बनाऊँगी रसूल अल्लाह। और भी देखें आते आते जुहर की अजान भी हो गई, मेरे पीछे रोती हुई भागती हुई आ रही थी, क्या हुआ मैंने देखा ही नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं आ जाओ। ये रहा घास मैं लेके आ गई हूँ और साथ में ये साग की लकड़ी मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी जो है ना इसका टोका बनाएंगे, और हरदार लाए थे और मामी ने कहा कि मैं तोड़ लेती हूँ अपने लिए, चावल बनाएंगे शाम को। मैंने कहा चले कोई बात नहीं आप तोड़ लें। गंदी बच्ची बन, चलो हट जाओ, मैंने घास का टोका बनाने, हट जाओ बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ। झूले खा रही हो, ईमान कहाँ गई, स्कूल गई, आपने जाना है स्कूल। इनकी शैतानगी देखे, अब बच्चों की शरारतें देखें, झूले खा रही है मेरा बच्चा। ये साग जो मुझे कल मिला था ये तो थोड़ा सा था, और ये मैं अभी तोड़ के लाई हूँ। वालेकुम सलाम। अभी यहाँ पर आंटी आ गई है मेरे साथ जो ना रजाइयाँ बनवाने के लिए। और हमारे यहाँ इस तरह से नीचे कपड़ा बिछा के ना, और इस तरह से रज़ाई के ऊपर जो है ना कपास खिलार देते हैं और फिर से फोल्ड करेंगे और रज़ाई बनेंगे। आपको मैं दिखाऊंगी फिर इस तरह से साइड से ना, ऐसे आंटी करी हैं जैसे वहाँ से करेंगी। और यहाँ से मैं जो हूँ ना अपनी वाली साइड नीचे कपड़ा पकड़ के इसे कपास जो है ना बीच में डाल के ना फोल्ड करेंगे। ये जो ना ऐसे ऐसे फोल्ड होती जाएगी वहाँ तक। साइड पर आ गया आंटी भी और मैं भी, वहाँ से इनका मुँह निकालेंगी, ऐसे निकलेगी ना। आंटी जी ना खोल देंगे सारे रजाई वहाँ तक, इसके ऊपर ना चाय गिरा दिया दुआ ने। वहाँ पर साग भी बना रही है, वहाँ पर रजाइयाँ भी, मैंने कहा साग भी बनाना है और साथ में रजाई भी। आंटी को सीधी करवा के वो सीएंगी और मैं कुछ साग बना लेती हूँ। यहाँ पर साग को मैंने काट के ना इस तरह पानी में खुले में जो ना वाश कर लिया है, और ये जो है ना इसमें टोकरी में डाला है। अब इससे पानी जो ना निकल गया, अब देखचे में जो ना पानी गर्म हो गया तो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्कूल से आ गई मन, अच्छा तो मैं पहले छुट्टी हो जाते बाद में ईमान को होती है। हम जो ना इसके ऊपर साग काटते हैं, और ये ईमान जो ना साग काट रही थी इसके ऊपर, मैंने कहा हाथ पे लग जाएगा आपके, लेकिन ये सुनती है किसी की। आपसे मना करी को नहीं काटो हाथ पे लग जाएगा, कह रही हो नहीं लगता, लग जाएगा खून निकल गया, काफी तेज होता है।
ताइयों में जो है ना कपास डाल के ना इनको इधर रख दिया बच्चों की पहुंच से दूर, और सुबह जिनका सिलाई करेंगे। चारा जो है ना खत्म कर दिया, टोका करके इनको डाल दिया था, अभी जो है ना इस तरह से घूम फिर रहे हैं बाजार रजाइयों के कपड़े लेने। रजाई किसके साथ मैच नहीं हो रहा तो ये ले रहे हैं, ये कपड़े की दुकान। मुझे कपड़ा मिल गया रजाई का, मैं जा रही हूँ वापस। उस साइड पे ही रुकता है, इस साइड पे नहीं आता। सबने शॉपिंग कर ली है, अभी जा रहे हम लोग मामी के घर, क्योंकि उनको रजाइयाँ देंगे। उनकी बेटी जो सिलाई करती है, और पहले मेरे ख्याल से उन्होंने सी ली होंगी, तो वो भी ले आएंगे इनके घर। मुर्गे भी और खरगोश और इसके बच्चे, और ये रहे इनके खरगोश और बछड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, इनकी मेमनियाँ हैं, और इनके जो ये इनकी नहीं है बल्कि मामी के जो देवर है ना, ये मवेशी उनके हैं, ये घर उनका है। और ये दोनों भाई जो साथ में थे, और एक बेचारे को अल्लाह जन्नत में जगा दे, वो इस दुनिया से चले गए, और दूसरे जो भाई हैं वो इनके साथ रहते हैं। अभी पहुँच गए हैं घर, मवेशी जो ना चारा खा के सुकून कर रहे हैं अभी, और ये जो ना कभी भी खा रही है चारा बचा हुआ है, तो हम जैसे आएंगे उसके बाद जो इनको बंद कर देंगे अंदर। और माशाल्लाह आज हमने फिर से बनाई है कड़ी और चावल, क्योंकि बच्चों को पसंद आ गए हैं। और यहाँ पर रुखसार भी बैठी हुई है, माहम भी है, और इन सब की फरमाइश थी, क्योंकि मैंने बनाया था आज साग चढ़ा हुआ है हमारा, तो साग जो है इंशाल्लाह सुबह बनेगा। तो बच्चों ने कहा कि नहीं हमें आज जो है ना हमें कड़ी और चावल खाने हैं। तो ये रहे यहाँ पर फातिमा, और वो फौजिया बैठी हैं, फातिमा अपना खाना खा रही हैं, और यहाँ पर रुखसाना भी जानी अपना खाना, और ईमान जाना मेरे साथ बैठी। ईमान ईमान सुनाओ, दिखाओ मुंह दिखाओ, लेकिन इसके ना मुंह के ऊपर जो है ना इस तरह की, यहाँ पर ये वाली जो जगह है ना ये सूज गई है, कानों के साथ ये वाली जगह काफ़ी जो है ना सूजन हो गई इसको। और भाई अभी हम लोग खाना खा के हो गए थे फारिग, तो लाइट चली गई, तो ये वाली रजाइयाँ जो मैं खानपुर से उस दिन लेके आई थी और मामी की बेटी को दी हैं, वो उसने सिल दिए हैं, और आज मैं लेके आई हूँ। और ये हुआ क्या है कि मुझे ना सेकंड हैंड जैसे चादरें मिलती हैं, उस दिन मैं गई थी तो मुझे वो मिली दो, एक ये नीचे वाली है, ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। इसके ऊपर देखे कितने बड़े फूल प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और ये रजाई की साइड पर जो है ना इस तरह से झांझर भी लगाई है, और रजाई की साइड पर जो है इस तरह से झांझर भी लगाई है। इसका अलहदा से मैंने कपड़ा लिया था, और ये देखे कितनी रजाई जब बनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। और इसकी जो है ना दूसरी साइड कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फूल है, अब मुझसे फूल नहीं रही थी, फूल जो है ना इस तरह, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा जो है ना फूल है इस तरह का, और ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। अब ये मुझे पड़ गई है तकरीबन 1000-1200 इस तरह की। ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा, ये वाला जो है ना थोड़ा सा महंगा मिला है, क्योंकि महंगा नहीं मिला लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लग गया इसके ऊपर ना, चारों तरफ लगा है, तो ये मुझे तकरीबन 1000-1100 में ऐसे ही पड़ गई होगी। अगर मैं ये नहीं लेती, कपड़ा भी ठीक नहीं था, जैसे ये वाली रजाई पड़ी है ना पहले हमारी, ये मुझे 1000 रुपये की खाली रजाई मिली थी, और ये इसका जो कपड़ा है ना ये काफ़ी जो है ना पतला है, जैसे इस बार अगर इसे खोलते तो ये कपड़ा फट जाता। और ये जो मुझे कपड़ा मिला है ये माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना मोटा मोटा कपड़ा है इसका, और अच्छी भी है, जिस तरफ से भी देखेंगे शनील होगी, और बहुत मज़े का। इस तरह मुझे सेकंड हैंड जो ना इस तरह से चादरें मिली, और मैंने उनकी बनाई हैं रजाइयाँ। और यहाँ पर दूसरी मेरी रजाई ये थी, इसका एक हिस्सा मुझे जो है ना दो इसकी रजाइयाँ ना सिली हुई थी, लेकिन वो छोटी थी काफ़ी, तो मैंने क्या किया कि इसके नीचे जो है ना इस तरह का सादा कपड़ा लगवा लिया, ये वाला, तो ये भी मेरी रजाई बन गई, दो हो गई। और तीसरी जरा रजाई जो है मैंने ली अम्मी के लिए, माशाल्लाह से ये वाला जो है मैंने बिल्कुल न्यू लिया है, कपड़ा लिया बिल्कुल न्यू, क्योंकि ये जो है ना सर्दियों के लिए आते हैं शनील के सूट, इस तरह के शनील के सूट, तो इसके लिए मैंने ब्लैक जो है ना झांझर लिया। और ये जो है ना कमीज़ का कपड़ा था फूल वाला, और ये जो है ना सादी शनील थी, ये जो है ना शलवार का कपड़ा था, तो ये दो सूट इकट्ठे ही थे। तो मैंने क्या करा, भाई से कहा, मैंने कहा नहीं काटे नहीं मुझे, बना दे दे मैं ना इनकी रजाई बना लूँगी।
और इसके ऊपर ब्लैक जो है मैंने ये साइडों पे झांझर लगवाई है। और ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है, इसके ऊपर जो है इस तरह के फूल नज़र आ रहे हैं और नीचे वाला बिल्कुल ही सादा है। और ये हाथ लगाने से इतनी सॉफ्ट और मज़े की है ना माशाल्लाह। और ये मैंने बनवाई है अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी को येलो कलर जो है ना पसंद है रज़ाइयों का। क्योंकि पहले भी ना जब मैं सऊदी अरब से आई थी तो मेरे पास एक कपड़ा था येलो कलर का, तो अम्मी ने जो उसकी रज़ाई बनाई वो काफ़ी प्यारी बनाई थी अपने लिए। तो इंशाल्लाह इस बार मैंने कहा कि भी मैं उनके लिए शनील का जो है ना येलो वाला कलर जो है ना वो रज़ाई बनवाती हूँ। और ये बिल्कुल ही न्यू मैंने दुकान से लिया, कपड़े की दुकान से, और वो जो है ना सेकेंड हैंड, जैसे आपको पता है कि हर शहर में जो सेकेंड हैंड कुछ ना कुछ जो ऐसी शॉपिंग होती है वहाँ पर मिलता है। तो उस दिन मैं गई, वो अपने लिए मैं चादरें लाई थी क्योंकि बच्चे हैं, एक मैंने अपनी बनानी है रज़ाई, दो बच्चों के लिए। एक जो है ना आज वो उसका नीचे वाला कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो आज वो भी मैं उसे देख के आई हूँ, इंशाल्लाह वो कल तक सी देंगी और वो भी आपको दिखाऊंगी। और आप बताइएगा मुझे आपको कौन सी रज़ाई ज़्यादा पसंद आई और अच्छी लगी। यहाँ पर मैंने तीनों एक साथ रख दिए और यहाँ पर बच्चे भी। वहाँ आपने नमाज पढ़ी जी? पढ़ ली है जी। और आपने रुखसाना जी पढ़ ली? और बस मैं अभी अभी पढ़ूंगी। और भी यहाँ पर अच्छा, आप बताओ आपको वहाँ कौन सी रज़ाई ज़्यादा पसंद है? फूल वाली जी। और रुखसाना आपको ये अम्मा वाली? अच्छा, ये मैंने अम्मा के लिए ली है रज़ाई, आपको पता है जी। कल कपास डलवा के ना इसको VIP जैसे होता है ना, बहुत ही अच्छे की अच्छे से इसकी सिलाई करवाएंगे क्योंकि अम्मी को सर्दी ना लगे, ठीक है जी जी। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एरिया है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो यहाँ पर सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो इसलिए अम्मा के लिए जो ना वो सुकून वाली रज़ाई है, एकदम बहुत ही सुकून करेंगी, अम्मी को महसूस होगा ऐसे नरम नरम और गरम गरम। और बच्चे जो है ना नमाज पढ़ लें, अभी सोएंगे, मैं थोड़ी देर से नमाज पढ़ती हूँ क्योंकि अभी जो ना अम्मी की भी जो ना कॉल आ गई, अब्बू की भी आई है, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर करें क्योंकि वो गए थे चाचू के घर, मेरे कज़न जो है ना आ रहे हैं वापस, तो उनसे मिलने के लिए गए थे, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो अम्मी ने कहा कि अभी बात करें, मैंने कहा मैं छत पे जाऊंगी तो ही बात होगी। तो बच्चों से कहा, मैंने कहा आप वीडियो जो है ना एंड करवा लें, कितने दिन हो गए मैं खुद ही एंड कर रही हूँ, बच्चे सो जाते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी, खाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं। और सुनाए आज स्कूल में कैसा दिन गुजरा आप सबका? बहुत अच्छा गुजरा। चलें चलें, और कल संडे है ठीक है, और कल पता है क्या करना है? क्या करना है बताओ? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम आपको? क्योंकि मैंने आप सबको बताया ही नहीं, कल हमने अम्मा और अब्बू के लिए स्पेशल दुआ मांगनी है, आपको पता है? सुबह सुबह जैसे ही आप लोग कुरान पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो ना आप सब ने जो ना मिलकर अब्बू और अम्मी के लिए दुआ करने के बाद जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं, ठीक है जी। हाँ, सुबह ये काम आपने, मैंने अभी आपको बता दिया ना, सुबह अपने कुरान पाक, क्योंकि स्कूल नहीं जाना आपको, जल्दी नहीं है, सुकून से कुरान पाक पढ़ना है। और आज की वीडियो जो है ना बच्चे ही एंड कर रहे हैं, आज का वीडियो एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।